आज हम एक और नए डिजाइन का बहुत ही आसान सा पायदान बनाना सीखेंगे। इसके लिए देखिए, मैंने ये 6 नंबर की सिलाई ली हुई है और कपड़े से 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी, चुन्नी है, आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। फंदा डालने का वही आसान तरीका है। मैं आपको ये 20 फंदे से बना करके बता रही हूँ। ये ध्यान रखना है कि इसमें 4 के जोड़े से फंदे लेना है। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप 4 के जोड़े से फंदे लेकर के जितना भी बड़ा या छोटा बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। देखिए, पहला फंदा बनाने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, इस तरह से खींच करके, तो ये खुलता नहीं है। बस पहली सिलाई में परेशानी होती है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है, बहुत आराम से बनता है। मैं इस तरह से फंदा डालना इस वजह से बताती हूँ कि ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। आप पूरी वीडियो देखा करो, अगर वीडियो को देखते हुए साथ साथ अगर बनाओगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से सभी फंदों को बना लेते हैं। दोनों साइड से पहला फंदा उतारते हुए बनाना है, कोई फंदा कम या ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, इधर से भी इसी तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। इसे 2 कलर से बनाना है, एक चौकोर बॉक्स साइज को बनाएंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। इसी तरह से हमें उल्टे की 4 रो, दोनों साइड से 4-4 रो बनानी है, यानी 8 सिलाई बनाना है। बस पहला फंदा उतारते हुए इस तरह से, तो इसी तरह से मैं इसकी 8 सिलाई बना लेती हूँ। जैसे मैंने 2 सिलाई बना लिए, ये भी तीसरी सिलाई बना रही हूँ। पहले इतना बना लेती हूँ। देखिए, उल्टे की 1, 2, 3, 4 4 रो बन गए और 4 ही इधर से भी बन गए, यानी 8 सिलाई हो गए। अब देखिए, यहाँ से हमें दूसरे कलर की पट्टी लगानी है। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर इसमें लगा सकते हो। मैं देखिए ब्राउन और ये सफ़ेद लगा रही हूँ। इस तरह से लगाने के बाद इसका किनारा है, इसमें इस तरह से रोल कर लेते हैं तो ये निकलता नहीं है। देखिए, 2 फंदा बना लिया, इस पट्टी को ऐसे ले लिया, 3, 4। देखिए, अब 4 फंदा हमने इससे बना लिया, बाकी के फंदों को हमें इसी से बनाना है। इस वजह से हमें 4 के जोड़े से फंदे लेना है। दोनों साइड से पहला फंदा उतारते हुए बनाना है। ये देखिए, पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। अब इधर से साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बनाना है। देखिए, अब इस पट्टी को क्रॉस कराते हुए इसको ऊपर से पीछे को ले गए, इसको नीचे से आगे को ले आए। अब ये 4 फंदा इससे बना लेना है।
फिर पहला फंदा उतारेंगे। पट्टी को अपने साइड कर लिया, ये चार फंदा इसे बना लिया। बाकी के फंदों को इसी तरह से बनाते जाना है, जैसे इसकी चार रो बनी थी अब वैसे ही चार रो इसकी बननी है। यहाँ पे तो आठ रो बन जाएगी और ये सफ़ेद वाले की चार रो बन जाएगी, तो ऐसे ही इसकी भी चार रो बना लेते हैं, यानी आठ सिलाई। जैसे ये बनाया था वैसे इसकी भी आठ सिलाई बना लेते हैं। देखिए इसका भी चार रो बन गया, एक दो तीन चार, और इसका आठ बन गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब देखिए ये चार फंदे का, ये चार रो बन गया। अब देखिए यहाँ आगे से चार फंदा और ले लेंगे। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया, दो तीन चार, अब ये चार फंदा और यहाँ पे बना लेंगे, पाँच छः, इस पट्टी को सात में ले लेंगे, सात आठ, चार फंदा आगे से और ले लिया। बाकी के फंदों को हमें इस कलर से ही बना लेना है। फिर इधर साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उसे बना लेना है। देखिए क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को पीछे को ले जाएंगे, ऊपर से इसको नीचे से आगे को ले लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदा इससे बना लेंगे। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया, ये आठ फंदा सफ़ेद से बनाएंगे, बाकी के फंदों को ब्राउन से बना लेंगे। देखिए इस पट्टी को इस तरह से कर लेना है हर बार, नहीं तो यहाँ बीच में होल सा बनता जाएगा। अब देखिए इसमें इस तरह से लेने से यहाँ पे कोई होल नहीं बना हुआ है, तो इसी तरह से इसको बनाते जाना है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चार फंदा इधर ले लिया, फिर इसको इसकी भी चार रो बना लेंगे, फिर आगे से चार फंदा ले लेंगे यहाँ पे, फिर इसकी चार रो बन जाएगी, फिर यहाँ आगे से चार फंदा लेंगे, फिर इसकी भी चार रो बन जाएगी। इसी तरह से ये पूरा बना लेते हैं, फिर आगे क्या करना है उसको मैं आपको बताऊँगी। पहले इतना मैं बना लेती हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि चार चार रो बनाते जाना है और चार चार फंदा ये सफ़ेद कलर से यहाँ पे लेते जाना है। ये देखिए पूरा बन करके तैयार हो गया है। देखिए चार का ये, फिर चार का ये, चार का ये, चार का ये, और चार जैसे यहाँ पे है ये देखिए, वैसे अब यहाँ पे भी ये आ गया। देखिए इस तरह से बन गया है, चार चार फंदे हर बार हमने इधर को सफ़ेद वाला लिया है। पहले देखिए यहाँ पे चार लिया, फिर यहाँ पे चार लिया तो आठ हो गया, यहाँ पे चार लिया तो बारह हो गया, यहाँ पे चार लिया तो सोलह हो गया। अब देखिए दो का एक करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर देना है। दो फंदा एक साथ लिया, बना दिया, ये देखिए एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से दो का एक करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। तो देखिए इसको बनाना कितना आसान है। ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों ही कलर से फंदे बंद करना है, तो ये सभी फंदों को बंद कर लेते हैं। ये देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। आप इसी तरह से एक बॉक्स भी बड़ा बना करके पायदान बना सकते हो, लेकिन मैंने इसी तरह से चार बनाए हैं, दो हो गया, तीन और ये चार। इन चारों को जोड़ करके
हम बनाएंगे। तो आप इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस बना करके भी बना सकते हो, एक बड़ा भी बना सकते हो। तो अब देखिए इन चारों को कैसे जोड़ना है। देखिए इस तरह से रखेंगे एक को, देखिए इसको इस तरह से रखेंगे। इसका ये जो है ये सबका बीच में होना चाहिए। तो देखिए इसको ऐसे रख लेंगे। फिर अब ये है, देखिए इसका ये ऐसे इसको रख दिया यहाँ पे। अब इसका ये यहाँ पे रहेगा और इस तरह से ये चारों को आपस में जोड़ देना है। तो ये इसका सीधा साइड है, इसको पलट लेंगे, सिलाई को उल्टे साइड से करेंगे। देखिए आप इसको इस तरह से सिल सकते हो। तो देखिए यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने ये मोटा धागा और बड़ी सुई ली है। ये इनका ये इस तरह से किनारा लेकर के इस तरह से हमें सिलाई करना है। ये देखिए ये दोनों के इस तरह से कोने मिलाते हुए सिलाई करना है। देखिए देखिए इधर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। तो देखिए इसी तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये जो चौकोर पायदान बनाया है इसको हम नया लुक देंगे और बड़ा इसका आकार भी बड़ा हो जाएगा और एक नई डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए मैंने इस तरह से कली बना रखी है। तो इसको यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे तो इसका आकार भी बढ़ जाएगा और इसको एक नई डिजाइन मिल जाएगी। देखिए चारों तरफ ऐसे ही लगाना है, इसी तरह से इसके चारों तरफ हमें लगा लेना है। तो देखिए दो मैंने इस तरह से एक जैसे बनाया है और दो में हमने इस तरह से ये शुरू करके बनाना है। तो देखिए तीन तो मैंने बना लिया, एक मैं आपको बना करके बताऊंगी कि ये कली कैसे बनेगी, ये जो कली बनी हुई है। तो इस तरह से एक इसको नई डिजाइन मिल जाएगी और इसका आकार भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब ये मैंने आपको बना करके बता दिया, अब ये कली कैसे बनाना है वो मैं आपको बना करके बताऊंगी। देखिए इसके लिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो जो आपके पास है। और देखिए ये साड़ी से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी, चुन्नी, आपके पास कोई कपड़ा ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाना है। ये देखिए इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लेंगे। फंदा डालने का वही आसान तरीका है, इस तरह से पट्टी को क्रॉस कराते हुए हमें फंदा डालना है। 2 के जोड़े से आप जितना बड़ा बनाना चाहो आप उतने फंदे इसमें ले सकते हो। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैं आपको ये 16 फंदे से बना करके बता रही हूँ। आप इसी तरह से 2 के जोड़े से जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा बना सकते हो। तो देखिए इसको बनाना बहुत आसान है। ऊपर से पहले इस तरह से सभी फंदों को बना लेंगे। पहला फंदा बनाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, इस तरह से उल्टे एक एक लाइन बना लेंगे। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहले सिलाई थोड़ा आराम से बनाते हैं। मैं इस तरह से फंदा डालना इस वजह से बताती हूँ कि ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। पहली सिलाई आराम से बनाते हैं, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से एक सिलाई बना लेंगे। देखिए एक सिलाई मैंने बना लिया है उल्टे उल्टे की। अब देखिए यहाँ से ऊपर से तो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करना है। तो पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, बाकी सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा हमें बना लेना है। देखिए बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे और नीचे से हमें 2 फंदा छोड़ देना है।
ऊपर से कुछ नहीं करना है, पहला फंदा उतारते हुए बनाना है, नीचे से दो फंदा छोड़ देना है और यहीं से पलट जाएंगे। इधर उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाते जाना है। इसको बनाना बहुत आसान है, मैंने अपने कई वीडियो में इस तरह से कली बनाना आपको बताया है। इसी तरह से चारों तरफ लगाने के लिए हमें चार बनाना होते हैं कली। ये देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, ऊपर से कुछ नहीं करना होता है, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिए, ये देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। नीचे से दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो नीचे से सिर्फ दो दो फंदा छोड़ना है, ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए हमें बनाना है। उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। आप इसको चाहो तो मल्टी कलर में, अलग अलग कलर में सभी कली बना सकते हो। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। फिर नीचे से यहाँ से दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। उल्टे साइड से सभी फंदों को बना लिए, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। फिर यहाँ से दो फंदा छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, दो तीन चार पाँच छः, फिर यहाँ ये दो फंदा छोड़ दिया। इसी तरह से सभी फंदों को दो दो करते हुए हमें सभी फंदों को छोड़ना होता है। बहुत ही आसान है, हर कोई बहुत आसानी से इसको बना लेगा। फिर यहाँ ये दो फंदा छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। पहला फंदा उतारा, ये देखिए दो फंदा बना लिया, फिर यहाँ पे ये दो फंदा, यहाँ पे दो फंदा छोड़ दिए, फिर यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए, दो दो करके हमने सभी फंदे छोड़ लिए हैं। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 16 फंदे में 14 फंदे दो दो करके छोड़ दिए हैं और दो फंदा ये है, 16 फंदा हो गया। अब दो दो करके जितने फंदे छोड़े हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया, जितने भी छोड़े हुए फंदे हैं सभी फंदों को हमें बना लेना होता है। तो देखिए, इसको बनाना है ना कितना आसान और बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसको बना करके जरूर देखना। ये देखिए, अब लास्ट का फंदा नहीं बनाएंगे, पट्टी को पीछे कर दिया क्योंकि यहां से दूसरे कलर की पट्टी को हमें लगाना है। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर इसमें ले सकते हो। तो देखिए, दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, ये देखिए, इस पट्टी को थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे और इस तरह से
बना लिया। और इसका किनारा जो है इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे, तो बाहर नहीं निकलेगा और ना ही पता चलेगा कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है, और ये बाहर को भी नहीं निकलेगा। ये देखिए, अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि आगे की कली फिर हमें इससे बनानी है। अब सभी फंदों को हमें इससे बना लेना है। कलर आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हो, जितने फंदे हैं सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। आप पूरी वीडियो देखा करो, अगर वीडियो देखते हुए साथ साथ बनाओगे तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा। जिसको बनाना आता है वो तो आराम से देख करके बना लेगा। मैं उन फ्रेंड्स के लिए बताती हूँ जो अभी नया नया बनाना सीख रहे हैं कि वो आसानी से बना ले। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए, जैसे पहली कली बनी थी वैसे ही हमें सभी कलियों को बनाना है। जो अभी नया नया बना रहा है, पहली बार बनाना सीख रहा है, उसको थोड़ी परेशानी होती है समझने में, इसलिए मैं एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। ये देखिए, दो फंदा नीचे छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए, उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। बीच में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को इसी तरह से बनाते जाना है, और लास्ट में फिर हमें दो फंदा छोड़ना है। देखिए, यहाँ से ये दो फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। तो इसी तरह से ऊपर से कुछ नहीं करना, पहला फंदा उतारते हुए बनाना और नीचे से दो दो फंदा छोड़ते जाना। जैसे ये कली बनी थी वैसे ही सभी कलियों को हमें बनाना है। देखिए, पट्टी ख़त्म हो गई है। इस पट्टी को कैसे जोड़ते हैं एक बार मैं आपको पट्टी को जोड़ना भी बता देती हूँ। बाकी जैसे पहली कली बनी थी वैसे सभी कलियों को बनाना है। ये पट्टी थोड़ी रह जाती है तो इसके बीच में पट्टी को रख करके इस तरह से रोल कर लेते हैं। इससे पट्टी बाहर को नहीं निकलती और काफ़ी अच्छी इसमें फिनिशिंग भी आती है और मजबूती भी आती है। देखिए, तब आपको ये समझ में आ गया कि जैसे मैंने ये कली बनाई थी वैसे ही सभी कलियाँ बनाना है। इसमें पांच कली बनानी है, तो मैं ये सभी कलियों को बना लेती हूँ, फिर क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, पूरे पांचों कली बन करके तैयार हो गई है। अब लास्ट में दो का एक करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए, एक दो, दो फंदा लिया, एक साथ बना दिया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, दोनों को एक साथ बना दिया, फिर वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से दो का एक करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए, ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। अगर आप लूज रखोगे तो उसमें झोल आ जाएगा, अगर टाइट रखोगे तो खिंचाव होगा। ये देखिए, ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से वो जो तीन कली मैंने आपको दिखाई थी वो भी इसी तरह से बनाई थी, पांच पांच के। अब देखिए, इसकी सिलाई करेंगे तो इसको इस तरह से उल्टा रख लिया। अब सभी को मैं उल्टा रख लूँगी। ये 20 फंदे का है तो इसमें मैंने 16 फंदे का बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो ये बीच में कली बनाते हैं तो यहाँ पे भी ये जो गैप बनता है तो इससे ये यहाँ पे जो चार फंदा इसमें ज़्यादा होता है, 20 फंदा है इसमें 16 है, तो ये एडजस्ट हो जाता है। आप 16 की जगह 18 भी बना सकते हो, जितना है आप उससे दो से चार फंदे कम कर लो। देखिए, चारों तरफ इसको हमने रख लिया। अब इसकी सिलाई करेंगे तो इसके लिए मैंने देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे।
तो देखिए इसको इस तरह से चारों तरफ इसके सिलना है। देखिए ध्यान रखना है कि जो ये है इसके बिल्कुल बीच में आना चाहिए यहाँ पे। तो अब यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए जहाँ से ये कली शुरू करी है यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से लेते हुए हमें सिलना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल यहाँ पे बीच में आना चाहिए। आधा इसके इधर रहेगा ये और आधा इधर, ये बिल्कुल यहाँ पे बीच में आना चाहिए तो आपका बिल्कुल सही बराबर बनेगा। देखिए ये बीच वाली कली बिल्कुल इसके सामने इस तरह से सेंटर में आना चाहिए। दो कली इस साइड आना चाहिए और दो कली इस साइड। देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे तो इधर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पर लगी हुई है। तो इसी तरह से मैं चारों जो कली है इसको इसके साथ जोड़ लेती हूँ, फिर ये देखने में कैसा दिखता है आपको दिखाऊंगे। देखिए खूबसूरत सा प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। पहले ये चौकोर बना हुआ था, अब देखिए इसमें ये कली जोड़ करके अब ये गोल बन गया है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है और इसका आकार भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। छोटे छोटे बॉक्स बना करके फिर उसमें इस तरह से कली जोड़ करके आप इस खूबसूरत सा पायदान बना सकते हो। आप इसको मल्टी कलर में बनाना चाहो तो अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। जैसे ये कली आप बनाए इसको भी अलग अलग कलर से बना सकते हो। जैसे मैंने सिर्फ दो कलर से बनाया है, सभी कली अलग अलग कलर से बना सकते हो। जो थोड़ी थोड़ी आपके पास पायदान बनाते हो पट्टियाँ बच जाती हैं उससे आप इसको बना सकते हो। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।